गाइज आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सतीश मन। गाइज आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर होने वाला है कि मन अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते रहता है। जब भी देखिए आज जितने भी लोग मतलब परेशान है, उनको जो भी थॉट आता है उनको लगता है कि कहीं ये नहीं हो जाए, यही सच नहीं हो जाए। मतलब मन क्या करता है आपका कि वही बातों को, वही जो विचार जो आते हैं उसी को सच मानने लगता है और उसी को जो है कि उससे आपको डराते रहता है, उससे आपको परेशान करते रहता है, उसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर बनने लगता है, कोई काम में आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो मानसिक समस्या हुई है, जो बार बार हाथ धोने की बीमारी हुई है कि मतलब नहीं चाहते हुए फिर भी जो है कि बार बार हाथ धो लेते हैं, बार बार साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं चाहते हुए चाहते हैं भगवान को जो है कि भगवान को नॉर्मल जाके एक बार प्रणाम करें, लेकिन बार बार प्रणाम करना पड़ता है, बार बार जाके माफ़ी मांगना पड़ता है, बार बार ये सब जो करना पड़ता है, ये जो है कि मन मन में जो विचार आता है ना, मतलब मन संतुष्टि के पीछे भागने लगता है। मतलब संतुष्ट थोड़ा देर के लिए होता है लेकिन फिर डाउट चालू हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि मन अपनी बात को मनमाने की कोशिश करता है लेकिन ये झूठा है, झूठा विचार है लेकिन वो सच सा लगने लगता है। क्यों ऐसा होता है? मन जो है ना मतलब भागता है, क्यों भागता है ये चीज समझते हैं। देखिए ये मन है, ठीक है, मन जो है ना हमारा, हम लोग का मन भागता है प्लेजर के पीछे, समझिएगा इस बात को, मन भागता है प्लेजर के पीछे। इसको कल क्या होगा कोई पता नहीं है, अभी तुरंत क्या होने वाला है अभी के बारे में ये सोचता है, समझ में अभी हमको क्या चीज़ में मजा आने वाला है, अभी जो है कि मेरे साथ जो है कि मतलब जो घटना जो हुआ, जो विचार आया, ये चीज़ जो है कि अभी के बारे में सिर्फ सोचता है कि मतलब मन जो है, लेकिन कल क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचता है। ये जो है ना शरीर के बारे में, मन जो है ना शरीर के बारे में नहीं सोचता है। ये जिस बॉडी में ये रह रही है मन, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी में जो मन रह रही है, इस बॉडी के बारे में नहीं सोचता, ये अपने ख्यालियात को सोचता है कि क्या जो है कि मजा है, पेन सहन होने जाता है, जो है कि ये पेन से भागता है मन जो है। कोई भी काम में इसको अगर पेन मिलेगा ना, ये भागेगा वहां से, कंफर्ट जोन को जो पकड़ना चाहता है। तो इसी तरह से जो विचारे आपको आते हैं, देखिए आपको विचारे आते हैं कि हाथ गंदा है, लेकिन जो हाथ साफ है आपका, लेकिन फिर भी लग रहा है कि डाउट आ रहा है कि ये गंदा है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मन क्या प्लेजर ढूंढेगा, अरे धो लो क्या दिक्कत है। अब मन क्या किया, संतुष्टि के लिए एक बार हाथ धो लिया, फिर मन में आएगा यहाँ लग गया गंदा, यहाँ लग लिया, फिर जो है कि आप क्या करें, फिर धो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मन संतुष्टि के लिए पीछे भाग रहा है लेकिन आपका बीमारी बढ़ते जा रहा है, ये प्लेजर ढूंढ रहा है, पेन नहीं कर रहा है, ये तो जो है हमारी बीमारी कारण से हो रहा है, ये पेन नहीं सहना चाह रहा है, पेन सहने मतलब थोड़ा एंजाइटी होगी, डर घबराहट लगेगा, लेकिन जो है कि आपको क्या होगा यहाँ पर जो है समझना है कि ये दर्द को सहने से भागता है। एंजाइटी जैसे आएगा ना, आप देखते होंगे नहीं करते होंगे, आप जो है कि मतलब हाथ धो लेते हैं, आप जो है कि वहां से हटते नहीं, आप जो देखते नहीं क्या होता है, लेकिन ये चीज से जो है ना, जो ये पेन जो है कि अगर आप सहते हैं तो आपका लाइफ बेटर होगी। मन जो है ना क्या लिखे हुए, मन जो है कि मनमाने की कोशिश करता है कि धो लो हाथ, धोने से क्या हुआ आपका, जितना प्लेजर को करेंगे उतना जो है कि आपका बीमारी बढ़ेगी, जितना पेन को सहेंगे उतना बीमारी घटते चली जाएगी और आपका लाइफ जो है आनंद होते चले जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मन कोई भी चीज में जो है ना, मन मजा की तरफ भागता है, प्लेजर के पीछे भागता है, मन जो है कि पेन नहीं सहना चाहता है, जो जो डर दिखाता है उस डर को फेस करना नहीं चाहता है। हमें जो क्या करना है कि इस समझना है कि यहाँ मन में भी दो मन चलने लगते हैं, एक ओसीडी मन, एक जो है कि आपका जो है कि रियल मन है। रियल मन कहेगा कि भगवान सजा देते ही नहीं है, और ओसीडी का मन क्या कहेगा कि जो है कि मतलब भगवान कहीं सजा दे दिए, भगवान हमको नुकसान कर देंगे इस जन्म में, अगले जन्म में कर देंगे, मतलब तरह तरह का जो है कि आपको डर दिखा दिखा करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि प्रणाम कर लो, माफी मांग लो, ये कर लो, फलाना इनका बहुत सारा तरह का तर्क वितर्क आपको देगा और परेशान हो जाते हैं इसमें आप, और जो है कि कोई भी काम में मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस जो है कि खत्म हो जाता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, जिनके कारण से क्या होता है कि आप चाह करके भी जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं गाइस। तो यही चीज है कि ना मन के, मन को जो है मैनेज करना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा, मन को जो है कि संभालना होगा, मन को जो है ना अभी जहाँ प्लेजर ले रहे हैं वहां पेन थोड़ा सहना होगा, पेन सहने के लिए सिखाना होगा। जब आप पेन सहने के लिए सिखाएंगे गाइस तो हम बताते हैं कि ये बीमारी जो है कि भागना तय है, बीमारी को मैनेज करना तय है, बस अत्य जो इस पेन को सहना होगा। ये जो विचारों के लेवल पर जो आप खुशी ढूंढते हैं ना, उससे जो है कि बचना होगा, उससे जब तक नहीं बचेंगे गाइस तब नहीं होगा। विचारों में ही तो आते, कहाँ आते हैं विचारों के आने से क्या कुछ हो जाता है क्या? विचारों के आने से कुछ भी नहीं होता है गाइस। ये जब आप समझना चालू कर देंगे, जिस दिन से आप समझना चालू कर देंगे कि विचारों में ही तो आ रहे हैं, बाहर कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ये दिखा रहा है, हमें लग रहा है मन में जो है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा टॉपिक आ रहा है, मन में जो लग रहा है, मन में जो लग रहा है, ये मन में जो लग रहा है उसको छोड़ना है।
जो छोड़ना है, मन में लग रहा है भगवान से आते इसको छोड़ना है, मन में लग रहा है कि हाथ हाथ साफ करो, नहीं साफ करोगे तो नुकसान हो जाएगा, उसको छोड़ना है, उसको डर को फेस करना, ठीक है देखते हैं क्या होता है, इसको छोड़ना, जो लग रहा है उसको छोड़ना है गाइस। जितना जल्दी सब चीज को समझेंगे, लग ही रहा है ना कि बीमारी हो जाएगी, लग रहा है ना, हुआ नहीं है, लग रहा है, जो लग रहा है उसको छोड़ना है। जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, बातों को जितना जल्दी गौर करेंगे, अपनाएंगे अपने अंदर, उतना जल्दी बेनिफिट होगा गाइस आपको। तो इसलिए जो है कि आपको लग ही रहा होता है ना सब चीज, होता कुछ भी नहीं है, बस लग रहा होता है, थोड़ा देर के लिए ये लगा, फिर दूसरा ठाउट आ जाएगा, फिर तीसरा ठाउट आ जाएगा गाइस। तो यही चीज मेरा आपसे कहने का निवेदन है कि जो लग रहा है उसको छोड़ना है गाइस, ठीक है। तो मन की बातों को जो है ना, मन जो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है, डराता है आपको, उसकी बातों से संतुष्टि नहीं लेना है गाइस। संतुष्टि लेंगे तो फिर परेशान होते चले जाएंगे, और जो है कि अगर जो है कि वो जो डर दिखा रहा है, वो जो आपको तरह तरह का जो सिम्टम दिखाता है कि ये नुकसान हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, आप बोलिए ठीक है ये तो मुझे लग रहा है ना, इसको छोड़ना है, इसको जो है कि इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक बीमारी का विचार है, ये जो है कि ये जो है कि मतलब हमें डराने वाले विचार, हमारा कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है, हमारा जो है कि जो होता नहीं, आप अपने ठीक है अपने जो है कि मतलब क्यूरियोसिटी जगा देना है कि मतलब हमें लग रहा है नहीं, जो लग रहा है उसको छोड़ना है, देखते हैं एक्चुअली में देखते हैं क्या होता है। आप एक्चुअली में जब देखने लगेंगे ना, देखने का मन को कहेंगे कि हमको देखना है, अपने आप को कहना है कि हमें देखना है, जब ये आप कहते हैं ना देखना है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाते हैं कि ठीक है देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है देखते हैं, जब आप देखना चालू करेंगे ना, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे तो देखेंगे अरे मेरे सामने तो कुछ हुआ ही नहीं, जो विचार आ रहे थे बीमारी हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, भगवान से जा देंगे, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, बस हम ही जो डर रहे हैं, विचार आ रहे हैं बार बार और हम जो डर जाते हैं, इसके वजह से तब आपके अंदर बदलाव आएगा और आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेगा, और आप जो है कि मतलब पेन को सह सह करके आपकी लाइफ बेटर बनेगी। कोई भी काम में शुरुआत में पहले पेन को सहना पड़ता है, फिर जाके आपके लाइफ बदलती है गाइस, फिर आपको जो है उस काम में अच्छा लगने लगता है। तो पहले आपको पेन को सहना है, फिर धीरे धीरे जो है कि मन जो ये बात अपनी मनवाने की कोशिश करता है उसको नहीं करना है, वो लग रहा है उसको छोड़ना है गाइस, हमें जो है कि क्यूरियोसिटी जगाना है, देखना है कि क्या होता है, तब जाकर के आपकी लाइफ जो है दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाएगी गाइस। ले गाइज आज का वीडियो आपको यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और दिए गए नंबर पर हमसे बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो ले करके आप जो है कि मेरी मदद से निकल सकते हैं बाहर। ले गाइज आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू गाइज, विश यू वेल बी।